अपराजिता पौधे में फूलों की कमी हो रही है तो आप सिर्फ एक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। पौधों में क्या है, पत्तियों से ज्यादा फूलों जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो इस खाद को बनाने के लिए ज्यादा जो है मेहनत की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कुछ टाइम में ही ये फर्टिलाइजर बना के आप अपने पौधों पे जो है दे सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ अपराजिता पे ही देंगे, जितने भी आपके परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है सभी पे जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। हेलो दोस्तों, आपका मेरे गार्डन में स्वागत है। अपराजिता एक ऐसा पौधा है जिसके फ्लावर बहुत ही प्यारे मनमोहक लगते हैं, जैसे हमें लगते हैं तो हमारे जो भगवान जी होते हैं, हमारे जो देवी देवताएं होते हैं, उनको बहुत ही प्रिय जो है ये फूल लगते हैं, बहुत ही शुभ फूल है। इसीलिए हम चाहते हैं कि गार्डन में क्या है फूलों की जो है कमी हमें देखने को ना मिले, तो इसलिए क्या है हमें थोड़ा सा जो है एफर्ट करना पड़ता है, इनको खाना पानी सही टाइम पे देना पड़ता है ताकि ये पौधे जो है अच्छे से रिजल्ट जो है देते रहे टाइम टू टाइम, यानी कि जो है फूल जो है हमें। और ये फूल कई कलर में आते हैं, बेसिकली आपको क्या है ब्लू और व्हाइट और पिंक में देखने को आसानी से जो मिल जाएंगे। और बात करें तो ये दो वैरायटी में आते हैं, सिंगल पेटल और डबल पेटल में। सिंगल पेटल से सभी परिचित हैं, लेकिन डबल पेटल जो है फ्लावर कुछ इस तरीके से होते हैं, किसी किसी को नहीं पता है, तो इसलिए मुझे बहुत सारे जो है डीएम आए इंस्टा पे कि ये कहीं फेक तो नहीं है, यानी कि हमने कभी ऐसा जो है फ्लावर देखा नहीं है अपराजिता का। तो देखिए ये जो फ्लावर होते हैं ये डबल पेटल के होते हैं, ये कोई फेक नहीं है, ये सच में डबल पेटल के फ्लावर जो है कुछ इस तरीके से जो खिलते हैं बिल्कुल रोज की तरह। तो आप सीड जो इसके ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं या फिर नर्सरी में आप विजिट कीजिए, नर्सरी में भी जो आपको देखने को जो आसानी से जो है मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल 100% जो है ओरिजिनल है, इसके डबल पेटल है, इसलिए शायद आपको आपने पहले देखा नहीं होगा, शायद इसलिए आपको पता नहीं होगा कि अपराजिता के जो फूल है वो डबल और सिंगल दोनों पेटल में आते हैं, तो आपकी कंफ्यूजन हो दूर हो जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं। देखिए सबसे पहले काम तो देखिए बेसिकली सभी को पता है कि ज्यादा फूल लेने के लिए जितने भी पुराने जो फूल होते हैं खिल के मुरझा जाते हैं उनको तोड़ना बहुत जरूरी है। इसमें क्या है कोई बात जो है बताने वाली नहीं है, हर बार जो है मैं रिपीट करती रहती हूँ लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि तो दोस्तों पहला स्टेप तो यही करना है कि जितने फूल खिल जाते हैं आपको उनको टाइम तक जो है आपने हटा लेना है, नहीं तो क्या है कुछ इस तरीके से आप फलियां दिख रहे हैं इनके बीज क्या है बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाते हैं और बीज जो है बन जाते हैं, तो आपको इन बीजों को जो है बनने नहीं देना है। बेशक आपको अगर बीज चाहिए सीड्स चाहिए तो आप इनको रख सकते हैं, लेकिन फूल ज्यादा चाहिए तो आपको टाइम टू टाइम जितने भी स्पेंड फ्लावर आप देखिए पौधों में क्या है इनको जो है तोड़ ले। आप एक टाइम निश्चित कर लीजिए कि आपने क्या इस टाइम पे अपने प्लांट को एनालाइज कीजिए, देखिए उसमें जो फ्लावर खिल के स्पेंड हुए हैं उनको जो है तोड़ लीजिए, थोड़ा सा जो है टाइम दे दीजिए तो आपके पौधे बहुत अच्छे से हेल्दी ग्रो करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं फर्टिलाइजर के ऊपर कि कौन सा जो है हम इनको खाद दे ताकि पौधे में जो है फ्लावरिंग की जो है समस्या जो है खत्म हो पाए, इट मींस कि ढेरों सारे जो है फूल हमें पौधे में देखने को मिले। तो बहुत ही इजी फर्टिलाइजर है, बिल्कुल घरेलू फर्टिलाइजर है, आपको भी पता होगा। तो क्या करना है हमने, जैसे हम बनाना के छिलके हमारे पास केले कूले हम परचेज करते हैं खाते हैं, वैसे डेली बेसिस पे सभी के घरों में इस्तेमाल होते हैं, सभी फ्रूट खाते हैं, तो केले के छिलके क्या है आप फेंकिए मत, थ्रो मत कीजिए, आप रख लीजिए। आप केले के छिलके ले लीजिए, छोटे छोटे पीसेस काट लीजिए, या फिर क्या है डायरेक्टली जो है केले के छिलके किसी कंटेनर में यानी कि जो सॉफ्ट ड्रिंक वाली बोतलें होती है उनमें फिल कर लीजिए, डाल दीजिए अंदर, उसमें आधा जो है पानी डालिए, उसके बाद उसको छोड़ दीजिए 3 दिन के लिए। 3 दिन के बाद क्या है बहुत ही अच्छा जो है एक लिक्विड फर्टिलाइजर बन के रेडी हो जाता है हमारे फ्लावरिंग प्लांट के लिए। तो ये फर्टिलाइजर आपको 3 दिन पहले जो है तैयारी करनी पड़ेगी डालने के लिए। तो 3 दिन के बाद क्या है, चलिए आज मैं इनको फर्टिलाइजर देती हूँ। तो क्या है दो तरीके से हम बनाना के जो छिलके उनका उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है जिस भी कंटेनर में दे रहे हैं यानी जिस भी गमले में दे रहे हैं पौधे, तो उनमें क्या है मिट्टी की जो है अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लीजिए, कुछ इस तरीके जैसे मैंने किए, मिट्टी को अच्छी तरीके से बारीक कर लीजिए। अभी क्या करना है, अगर आपका पौधा सेंटर में लगा हुआ है तो एक रिंग सा जो है क्रिएट कर लीजिए। तो मेरा जो है पौधा साइड में लगा हुआ है क्योंकि मैं एक साइड से जो इनको चढ़ा रही थी, तो साइड कर लिया मिट्टी को और बिल्कुल तना के पास में नहीं देना है। और एक केले के जो छिलके होते हैं काफी रहेंगे, अगर गमला 8 इंच का तो है तो छोटे छोटे टुकड़े काट लीजिए या फिर सिंपल आप केले के डायरेक्ट जो छिलके भी जो है दबा सकते हैं।
तो मैं देखिए कुछ इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े काट रही हूँ, और क्या करना है, काटने के बाद इसके ऊपर हमने नहीं रखना है, ऊपर परत पे नहीं रखना है, ऐसे नहीं छोड़ना है, चारों तरफ फैला के ऊपर से क्या है मिट्टी से जो है कवर कर देना है। बनाना के छिलके जो है ऊपर जो है सतह पे जो है दिखनी नहीं चाहिए, इनको मिट्टी के अंदर अच्छे तरीके से जो है दबा देना है। अब ये देखिए बहुत जल्दी जो है अपना जो है असर ये छोड़ते हैं मिट्टी में, और बहुत अच्छा पोषक तत्व तो छोड़ते हैं, जिसकी वजह से पौधे में अच्छे तरीके से जो है फ्लावरिंग होती है। बनाना के छिलके में भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। तो इससे पौधों की जो है फ्लावरिंग में जो है ना संख्या में जो है बढ़ोतरी जो है देखने को मिलती है। बनाना के छिलके क्या है, आप हफ्ते में एक जो छिलके दे देंगे तो भी काफी अच्छा जो है आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, नहीं तो आप 15 दिन में एक बार जो है आप इस छिलके को कुछ इस तरीके से जो है पौधों में जो है फीड कीजिए। और नीचे की जितनी भी पत्तियां वगैरह हैं वो मैंने पहले ही बताया कि इनको जो थोड़ा सा जो है कम से कम 5-6 इंच तक ऊपर लेंथ अच्छे तरीके से जो इनको पौधे को क्लीन कीजिए, ताकि अच्छे से जो इनमें धूप वगैरह एरेशन वगैरह जो होती रहे। तो ये देखिए मैं पहले से जो है बनाना के छिलके का जो है लिक्विड फर्टिलाइजर बना के रखी हूँ। तो चलिए अब बताते हैं कि इनमें देना कितना है। तो देने से पहले अच्छे तरीके से शेक करना बहुत जरूरी है, ताकि जो भी नीचे बैठे होते हैं अच्छे तरीके से जो है मिक्स हो जाए। आप चाहे तो छान लीजिए, छान लेंगे तो बेटर रहेगा। तो जितना आप पार्ट आपने लिक्विड फर्टिलाइजर लेंगे उतना पार्ट क्या है, उतना पार्ट नहीं, जितना पार्ट आपने फर्टिलाइजर लोगे उसमें कम से कम चार या फिर ज्यादा से ज्यादा आप 6 पार्ट, 6 से 8 पार्ट भी जो है मिला सकते हैं। बट डिपेंड करता है कितना पुराना फर्टिलाइजर है। अगर 3 दिन के बाद उपयोग कर रहे हैं तो इनमें क्या है, आप 3 से 4 गुना पानी मिलाइए। अगर यही फर्टिलाइजर आप 10 दिन बाद 15 दिन बाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनमें जो है 8 से 10 गुना जो है पानी मिला लीजिए। यानी कि जितना पुराना फर्टिलाइजर होगा उसमें पानी की जो क्वांटिटी है आपको ज्यादा जो है मिलानी पड़ेगी। तो देखिए ये जो मेरा फर्टिलाइजर है हफ्ता पुराना है, तो इसमें क्या है मैं कम से कम 4 गुना जो है पानी ले रही हूँ। यानी कि 1 पार्ट हमने लेना है फर्टिलाइजर और 4 पार्ट हमने लेना है नॉर्मल टैप वाटर। तो इसमें मिला देना है, मिक्स कर देना है, उसके बाद पौधों को जो है पिला देना है। अब हमने देना कितना है, क्वांटिटी हमने कितना फीड करना है पौधों को, तो गमला अगर 8 इंच का है आपका तो कम से कम 300 ml से लेके 400 ml के बीच में जो है आप दे सकते हैं इतना क्वांटिटी। और ये भी फर्टिलाइजर आप 15 से 20 दिन के गैप पे अंतराल पे जो है आप इस फर्टिलाइजर को दोबारा से जो है पौधों पे रिपीट कर सकते हैं। तो आपको कोई और फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे बहुत अच्छा जो है आपके पौधे जो है ग्रो करेंगे, बहुत अच्छे से जो है फ्लावरिंग जो है देंगे। लेकिन आपको मंथली बेसिस पे, जैसे आपको पता है कि मंथली बेसिस पे या 1.5 महीने के अंतराल में पौधों को कंपोस्ट देना बहुत जरूरी है। जो हैवी फीडर प्लांट है लाइक हिबिस्कस हो गया, रोज हो गया, ये अपराजिता के पौधे हो गए, जो ज्यादा एनर्जी खर्च करते हैं यानी कि ज्यादा फूल देते हैं, तो ज्यादा फूल लेने के लिए उनको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए 1 महीने या 1.5 महीने के गैप पे इनको जो है बर्मी कंपोस्ट, चाहे लीफ मोल्ड, चाहे कोई भी गोबर की खाद, जो भी आप किचन वेस्ट बनाते हैं, 1 महीने में 1 बार जो है इनको जरूर फीड कीजिए। और लिक्विड में आप इस तरीके से फर्टिलाइजर बना के देख सकते हैं, तो आपके पौधे बहुत अच्छे से जो है परफॉर्म करेंगे, बहुत अच्छे से जो है फ्लावरिंग देंगे और जो है अच्छे से ग्रोथ करेंगे। और जो तीसरा चीज जो काम करना है पौधों पे, कीड़े मकोड़े व्हाइट फ्लाई से बचाने के लिए इनको 15 दिन के गैप पे आपको फंजीसाइड या नीम और से छिड़काव करना बहुत जरूरी है। तो बस आप ये करेंगे आपके पौधे बहुत खुश होंगे, और खुश होंगे तो बहुत अपना अच्छा से जो है रिजल्ट दिखाएंगे, और फूलों की कमी जो है हमें गार्डन में जो है देखने को नहीं मिलेगी। तो आई होप दोस्तों मेरा वीडियो आपको यूजफुल लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।